क्या शुभ नाम है आपका? प्रिंस राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं? ललितपुर के, यहाँ लक्ष्मीपुरा में है। तो क्या करते हैं आप? पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? पढ़ाई बीएससी हुई है, अभी मतलब पेंडिंग में है, चल रही है, रिजल्ट आना बाकी है। हाँ। करते क्या हैं आप? एनजीओ चलाते हैं, प्रगति रक्तदान सेवा से। कब से चला रहे हैं? 2018 से। रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड अभी 2020 में कराया है। अच्छा, कितने लोगों की टीम है आपकी? 3000 लोगों की टीम है, उसमें से अभी 2445 लोग मदद कर चुके हैं एक दूसरों की। 3000 लोग आपके पास रक्तदाता हैं? हाँ। जो आपके कहने पे हाँ। वहाँ पहुँचते हैं जिनको हाँ। जरूरत होती है? समय रहता है तो पहुँचते हैं हाँ। अगर नहीं रहेगा तो अभी मना कर देंगे, बाद में अगर समय मिले तो वो आ जाते हैं। ये बताओ कि आपने यही क्यों काम चुना? कॉलेज ही से शौक हो गया था, कॉलेज से हो गया था शौक। कॉलेज में पढ़ते थे हाँ। तो वो बायोलॉजी से किया, बीएससी बायोलॉजी से कर रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे वो सर लोग समझाते थे डोनेशन के बारे में, तो पहली बार हम ही ने किया 2018 में। कितनी बार कर चुके हैं? अभी तो हम 21 बार कर चुके हैं। अच्छा, तो बायोलॉजी में आप क्या बीएससी कर रहे थे? हाँ, वहाँ से आपको ये ललक पैदा हाँ, हुई कि औरों का जीवन बचाया जाए हाँ। तो आपने इतना सारा जो समायोजन किया है, 3000 लोगों का ग्रुप, ये कैसे किया? ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया। सोशल मीडिया पे जैसे पहली बार रक्तदान किया तो पोस्ट डाल दी, उसी के माध्यम से फिर और लोगों का आया कॉल कि हमें भी ब्लड डोनेट करना है, और जरूरतमंदों की भी कॉल आने लगी कि हमें जरूरत है, वैसे एक दूसरे को करवाते गए, इसी वजह वो बढ़ता गया। तो प्रिंस भाई, आपको इस अच्छे काम के लिए ललितपुर में कभी या ललितपुर के आसपास कभी कोई सम्मान वगैरह हाँ, प्राप्त हुआ? बिल्कुल, झांसी में हुआ था। अभी बैंक्स अंकित साहू चलाते हैं, उनके द्वारा पिछली वर्ष किया गया था। अभी ऑफर आया था यहाँ से, अयोध्या से हाँ। तो वहाँ किसी कारणवश नहीं जा पाए। अयोध्या जाना था आपको सम्मानित होने? हाँ जी, वहाँ की एक संस्था है ब्लड डोनेशन का कार्य करती है, उन्होंने हाँ। बुलाया था। और कहाँ कहाँ? और बटिंडा, पंजाब है, बटिंडा शहर है पंजाब में जी जी, वहाँ से अभी आया था। बहुत दूर पड़ जाता है, और उन्होंने उसी वक्त बताया है कि आपको आना है। अब उस समय पे जा नहीं सकते हैं, जिस समय सम्मान था उन्होंने उसी समय बताया। अच्छा अच्छा, तो इस तरह आप जो लोगों को भेजते हैं तो वो लोग निशुल्क रक्तदान करते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ से अगर कोई व्यक्ति दिल्ली जाता है हाँ। तो वो अपने निशुल्क अपने ही पैसों से जाता है। और एक बात और, हम जाते हैं उसके साथ अपनी जिम्मेदारी पे लेके, और जिम्मेदारी पे लेके जाएंगे और उसे घर पे छोड़ के आएंगे, छोड़ने आएंगे। इसमें घूमना भी हो जाता है उसका। लेकिन टिकट वगैरह की फंडिंग्स कैसे होती? टिकट वगैरह क्योंकि आप अब रोजगार में तो है नहीं, नहीं। तो कैसे मैनेज करते हैं? जो व्यक्ति जाता है वो अपने हिसाब से घर पर कह देता है घूमने जा रहे हैं दिल्ली, अब वो बताता तो नहीं है डोनेशन करने जा रहे हैं, वहाँ पे वो डोनेशन कर देता है, ऐसा हो जाता है। बाकी ज़्यादा लोग नहीं जा पाते यहाँ से बाहर, गिने चुने लोग हैं जो बाहर का शौक रखते हैं डोनेशन का, वही लोग जा पाते हैं। लोकल ललितपुर में इस तरह की आप कितने लोगों की जरूरत पूरी कर चुके हैं अभी तक? वो 2445 लोगों की मदद कर चुके हैं, जिसमें से 45 महिलाएं हैं। अच्छा, महिलाओं को भी ब्लड दिया? हाँ, आपकी टीम में बताया गया है कि महिलाएं भी ब्लड डोनेशन करती हैं हाँ। तो उनको कैसे जोड़ा आपने, क्योंकि वो तो बड़ा टेढ़ा काम है। क्या है, सोशल मीडिया, पिछली बार कैंप हुआ था हमारा 2018 में, उसमें केवल एक महिला ने ब्लड डोनेट किया था, उसका नाम ममता राजपूत है, वो जिला अस्पताल में कर्म वो हैं, क्या कहते हैं इससे, गार्ड हैं वो, उन्होंने किया था। उसके बाद फिर मैम ने किया है अपनी, ऋचा अग्रवाल मैम ने, मैम ने बताया सोशल फेसबुक पर कि हमें ब्लड डोनेट करना है। अब ऐसे में चुनाव का समय था, उससे हमें पता चला कि मैम एक को जरूरत है, तो हमने मैम से कहा मैम आप आ जाइए। मैम ने डोनेट किया, उससे पहले मैम अन्नपूर्णा में करती थी, मैम के जरिए सोशल मीडिया पर डाला, वो गूगल पे आ गया, अब सारे लोग। चलो, ये तो आपका सोशल एक सहयोग है सोसाइटी के लिए, आगे क्या करना चाहते हैं?
आगे किया, क्योंकि ये खून वाला मामला तो चलता ही रहेगा। आपका करियर के बारे में आप क्या सोचते हैं? करियर शॉप है हमारी कंप्यूटर की। कहेगी कंप्यूटर की, तो उसमें आप खुद बैठते हैं? हाँ, जैसे ही समय मिलता है बैठ जाते हैं, अगर किसी का कॉल आता है तो बंद करके उसकी मदद करने चले जाते हैं। इसमें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको? परिवार हर प्रकार के मिलते हैं। आप अविवाहित हैं विवाहित हैं? अविवाहित। तो अभी तो ठीक है, बाद में तो आपको बहुत जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, फिर कैसे कर पाओगे? बाकी लोगों को जोड़ा जाएगा जो इसमें रुचि रहता हो, जैसे मैम तो है ही, ऐसे ही और लोग भी जोड़ दिए जाएंगे जो आगे का। अब तो क्या है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो आगे आने वाली है। अच्छा, रक्तदान में एक बड़ा मुश्किल का मुद्दा उठता है कि इसमें खरीद फरोख्त बहुत होती है। हाँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो व्यवसाय के रूप में इसको लेते हैं, उनके लिए क्या आपके पास उपचार है कि उससे बचा जाए? उपचार तो कुछ उन लोगों का कर नहीं सकते हैं, बहुत से अपने यहाँ हमारे यहाँ भी ललितपुर में होते रहते हैं। बहुत बार हम लोगों ने खबर भी बनाई है, क्या है हमें, हमने भी खबर बनाते हैं हम अपनी संस्था की, तो थोड़ा बहुत खबर बना लेते हैं टूटी फूटी, तो हमने पेपर वालों को भेजा है खबर बना के लगी है, उससे एक्शन हुआ है सिर्फ ब्लड बैंक के कर्मचारियों पर। ब्लड बैंक के कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वो काम नहीं रुक पाया है। इसके लिए अगर वहाँ पर प्रशासन चाहे तो अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता है। प्रशासन से आपको किस तरह की मदद मिलती है? प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलती है। जैसे 2018 में कैंप किया था, उसके बाद हमने अभी तक कैंप नहीं किया है। कैंप इस वजह से नहीं किया है कि वहाँ पे जो ब्लड जाता है हमारी संस्था का, जैसे हम लोगों ने 50 यूनिट रखा है, 50 यूनिट में से हम लोगों को अगर 20 यूनिट ही मिल जाए किसी ज़रूरतमंद के लिए, वहाँ से मिलता है कार्ड, डोनर कार्ड मिलता है, उससे वहाँ से ब्लड मिल जाता है, लेकिन वो ब्लड दूसरे दिन पूरा उठ जाता है, चाहे वो स्टाफ की गलती से हो या फिर वो बाहर के लोगों से। कहाँ चला जाता? ब्लड बैंक से पूछो तो वो ये बोलते हैं कि वो डायलिसिस में चला गया, बच्चों के लिए चला गया, उनका डाटा वो बताना पसंद नहीं करते। इसलिए हमें कैंप करना पसंद है नहीं है, किसी ज़रूरतमंद का कॉल आता है तत्काल जाके उसके परिस्थिति के हिसाब से उसे अरेंजमेंट करा देते हैं। क्या शौक है इसके अलावा? ये तो आपका जज्बा है, हृदय से जुड़ा हुआ है, आप चाहते हैं? एक ही शौक है, दूसरों की मदद करना रक्तदान के माध्यम से। बताओ प्रिंस, कि अभी तो आप अविवाहित हैं, आने वाले कल में जब आपका जीवन संगनी आएगी, अगर वो आपके इस काम में रुकावट डाले या वो अवरोध पैदा करे, वो कहे नहीं हम अपने पति का खून क्यों दान करें? तो ऐसी स्त्री को हम लाएंगे क्यों भाई? हम वो तो बाद में पता चलता था, नहीं पहले उससे बोल दिया जाएगा कि आपको हमारे साथ ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। अच्छा, उसका भी खून दिलवाओगे? अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।